हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी शाम का 6:44 हो चुका है, तो अभी हम लोग राउरकेला के लिए निकल रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ। तो गाइज, ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहें। और किस लिए एक्साइटेड हूँ ये तो आप सभी को ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। तो ऐसे ही आप ब्लॉग में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहें। सो अभी मैं रास्ते में हूँ, पहुँची नहीं हूँ। सो या गाइज, हम लोग आ गए हैं ओप्पो मोबाइल वर्ल्ड, जो कि हमारे स्टेशन के जस्ट राइट साइड में ही मिलेगा आप सभी को। तो हाँ, मुझे आज मोबाइल एक बाय करना था, तो कौन सा फ़ोन अच्छा है आप सभी के नज़र में वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं, हम लोग जैसे ही मोबाइल शॉप घुसे तो इस मोबाइल शॉप में काफ़ी भीड़ भी होता है और यहाँ पर काफ़ी सेलिंग भी होता है। पर ये लड़का को देखिए मुझे कैसा देख रहा है। तो चलो अभी देखते हैं कौन सा फ़ोन का कैसा क्या फीचर्स है। आधार कार्ड पे लगेगा? तुम क्या EMI में लेने का क्या? जो आधार कार्ड लेगा केस देगा, खत्म हो गया। सो चलो डेमो वगैरह टेस्ट करके देखते हैं कैसे क्या आ रहा है। सो या गाइस, फाइनली आई गॉट माय न्यू मोबाइल फोन, जो कि अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आप सभी भी देख सकते हैं। सो गाइस, ये वीवो V30 है। सो गाइस, फाइनली मैंने ये फ़ोन ले लिया है और ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस। और आप सभी को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस फ़ोन में। और ये देख सकते हैं फ़ोन का कवर है इसमें और क्या है ये भी मैं चेक करके आपके साथ शेयर करके बताऊंगी। ये देख सकते हो, ये डाटा केबल है और ये अडाप्टर है। और यूजुअली सारे फ़ोन में जो पिन दिया ही जाता है। सो गाइस, इतना ही था। और आप सभी को कैसे लगा ये फ़ोन और ये फ़ोन कैसा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो इस फ़ोन से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। V30 Pro, ये फ़ोन कैसा है आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छा है कि ख़राब, जो भी हो कमेंट जरूर करना है। ओके गाइस, सो गाइस अभी चलते हैं घर के और फिर आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, देख सकते हैं कि पेड़ कैसा गिरा हुआ है और आज काफ़ी तूफान और काफ़ी बारिश हुआ जोरदार राउरकेला बंडा दोनों जगह, और काफ़ी पेड़ भी ऐसे ही गिरा हुआ है। और हम लोग इसी वजह से शॉप में रुक गए थे और अभी 9:30 हो गया है। पता नहीं घर में अब क्या होगा, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि हुआ क्या।